हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई एक अंडररेटेड रिवेंज थ्रिलर फिल्म द हॉर्समैन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं स्टीवन कैस्टिसियास। ज्यादा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक पेस्ट कंट्रोलर को जिसका नाम है क्रिश्चियन। वो एक आदमी के घर पहुंचा है और पहुंचते ही वो उसे बुरी तरह पीटने लगा। ये सब समझने के लिए पहले हमें बैक स्टोरी जाननी होगी। तो क्रिश्चियन एक सीधा साधा आदमी है जो कि मेहनत से कमाकर अपनी फैमिली चला रहा था, जिसमें सिर्फ ये और उसकी बेटी जैसी थे। लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे की डेथ हो गई, और डेथ भी नॉर्मल नहीं थी। पहले उसकी पॉर्न फिल्म बनाई गई उसे भारी ड्रग्स देकर, और इसके बाद उसे मारकर फेंक दिया गया। अब तक भी ये पता नहीं चल पाया कि उसे किसने और क्यों मारा। पुलिस भी ये केस बंद कर चुकी है, लेकिन क्रिश्चियन को इंसाफ चाहिए इसलिए वो खुद ही काम पर लगा हुआ है। वो एक एक करके उन सबको ढूंढ कर मार रहा है जो उसकी बेटी को अब्यूज करने में शामिल थे। यहाँ पर ये इसलिए पहुंचा है क्योंकि जैसी की वीडियो की कॉपीज इस आदमी के पास हैं। अब सारी कॉपीज उसने तोड़ दी और साथ में उसका मुंह भी। क्रिश्चियन उससे बाकियों के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तब वो उसका सामान तोड़ना शुरू करता है उसका मुंह खुलवाने के लिए। ये देखकर वो आदमी नाम लेता है फिन का, जो कि इस पूरे बिजनेस को चलाता है। लेकिन क्रिश्चियन ये नाम सुनकर हैरान नहीं था, क्योंकि फिन से तो वो पहले ही मिल लिया, तभी तो यहाँ तक पहुँचा है। अब इसके पास सिर्फ टेप्स हैं, इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन कैसे ना कैसे ये भी शामिल है, इसलिए क्रिश्चियन इसे भी नहीं छोड़ने वाला। उसकी टांग तोड़कर वो पूरे घर को आग लगा देता है, और ये सीन देखकर तो GTA 5 की याद आ गई। खैर, उसे मारने के बाद कपड़े चेंज करके वो जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उसके पास एलिस नाम की एक लड़की आती है लिफ्ट मांगने। दोनों का रास्ता सेम ही था, फिर भी क्रिश्चियन उसे मना कर देता है क्योंकि वो जा रहा है किसी को मारने। वो अपने रास्ते जा रहा था लेकिन रात का टाइम देखकर उसका मन बदल जाता है और वो एलिस को कार में बैठा लेता है। एलिस बताती है कि वो किसी फ्रेंड के घर जा रही है, जबकि साफ पता चल रहा है कि ये घर से भागकर आई है। उसने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए क्रिश्चियन अपना खाना उसके साथ शेयर करता है। और वहाँ पर जैसे की फोटो थी, जिसे देखकर एलिस सवाल पूछती है, और यहाँ आ जाते हैं पास्ट में क्योंकि क्रिश्चियन उसे सब कुछ बता रहा है। एक दिन उसे पुलिस ने बुलाकर उसकी बेटी की बॉडी दिखाई और बताया कि ये रोड पर पड़ी मिली। क्रिश्चियन एकदम सुन हो गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्ट करे, क्योंकि इस दुनिया में अब उसका कोई भी नहीं बचा। ऑफिसर ने बताया कि जैसे कि बॉडी में 3 तरह के नशे पाए गए और साथ में सीमन भी। ये सुनकर क्रिश्चियन को साफ हो गया था कि किसी ने रेप करके उसकी बेटी को मार डाला। लेकिन ऑफिसर बताता है कि डेथ उसकी अपने आप हुई। वो कमर के बल रोड पर लेटी हुई थी और उसे जरा भी होश नहीं था। उसे उल्टी आई होगी जो कि उसके एयरवेज में फंस गई, और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मामला इतना सिंपल भी नहीं है। किसी ने पेफोन से एम्बुलेंस को कॉल किया था, यानी कि कोई उसके साथ था। पुलिस तो कुछ भी पता नहीं लगा पाई, इसलिए क्रिश्चियन एक एक दिन मर मर के जी रहा था। उसने अपनी जवान बेटी का भरा पूरा रूम खाली किया, एक एक चीज उसे खा रही थी। वो डेली खुद को कोस रहा था। तब एक दिन उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें जैसी की टेप थी और साथ में था एक एड्रेस। उस टेप को देखकर उसे आइडिया हुआ कि असल में हुआ क्या था। इनके घर में पैसे की कमी थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहा था, तो मजबूरी में जैसी को स्पॉन मूवी में काम करना पड़ा क्योंकि ये सब वहाँ पर लीगल है। इतनी बात तो वो समझ गया था, लेकिन आगे क्या हुआ वो भी पता लगाना बाकी था। इसलिए वो उस वेयर हाउस पर गया जहाँ मूवीज को स्टॉक में रखा जाता है। वहाँ पर उस टेप की 231 कॉपीज थी, और सारी की सारी वो बाय कर लेता है। वहीं से उसे फिन के बारे में पता चला था, जो कि इनका प्रोड्यूसर है। उसका एड्रेस लेने के बाद उसने मैनेजर को मार डाला, और यहीं से उसका रिवेंज स्टार्ट हुआ था। इसके बाद उन सारी कॉपीज को उसने जला दिया, और जो बच गई थी उन्हें जलाया था मूवी के इंट्रो में। इसके बाद वो पूरा टूल बॉक्स लेकर पहुंचा फिन के पास उससे पूछताछ करने, क्योंकि मेन आदमी वही है। वो उन सब एक्टर्स के बारे में पूछता है जो उस टेप में जैसी के साथ थे, और यही मेन सवाल है क्योंकि टेप में 3 आदमी हैं, जबकि रिपोर्ट्स ने बताया कि इसमें 4 आदमी इन्वॉल्व थे। फिन बताता है कि जैसी खुद ही उनके पास आई थी और वो पहले से नशे में थी। फिन तो ये भी नहीं जानता कि जैसी मर गई। वो कहता है कि यहाँ से तो वो सही सलामत गई थी। अगर हम अपने एक्टर्स का मर्डर करते तो हमारी कंपनी कब की बंद हो जाती। किसी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, हर किसी ने अपना काम किया और सबको काम के पैसे मिले। फिन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, लेकिन एक्टर्स के नाम वो नहीं बता रहा। तब उसका मुंह खुलवाने के लिए क्रिश्चियन उतर आता है टॉर्चर पर। काफी दर्द झेलने के बाद आखिर में वो मुंह खोल देता है। वो बताता है कि एक्टर्स थे पॉल, जिम और जिम का भाई। साथ ही उसने उस आदमी के बारे में भी बताया जिसके पास कॉपीज थी, जिसे इंट्रो में इसने मारा था। लेकिन चौथे आदमी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अब इससे पहले कि क्रिश्चियन उसका मुंह खुलवाता, वहां पर आ जाता है उसका बॉडीगार्ड, और यहां शुरू होती है ब्रूटल फाइट। बॉडीगार्ड उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन दिमाग का यूज करके वो उसे मार देता है। इसके बाद बारी आती है फिन की। अब ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो सीधा उसका गला काट कर वहां से निकल जाता है। तो ये था पूरा पास्ट। इसके बाद उसने उस टेप वाले आदमी को जलाया, और अब वो जा रहा है एक्टर्स के पास। उसके साथ एलिस भी है, इसलिए वो एक मोटेल पर रुक गया। सुबह होते ही पहले वो जिम के पास जाएगा, उसके बाद वापस आकर जाएगा और आगे पॉल के पास। वो टीवी ऑन करता है तो उसमें घर के जलने की न्यूज चल रही थी, जिसे इसी ने जलाया था। पिछले दिन मर्डर्स को भी इससे लिंक कर दिया गया है, और अब कातिल की तलाश जारी है।
हम देखते हैं कि अब भी वो डेली जैसी को याद करता है और अपने हाथ पर कट मारता है ताकि उसे भूले नहीं। उसकी राख भी वो अपने साथ वैन में लेकर चलता है। खैर अगली सुबह वो पहुंच जाता है जिम के घर। उसे मार पीट कर उसने जिम से भी पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन टॉर्चर होने के बावजूद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। वो बस फिन का नाम ले रहा है जिसे क्रिश्चियन ने पहले ही मार दिया। वो जिम से उसके भाई के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं बताता। तब बीच में आ जाती है उसकी वाइफ आइरीन और वो बताती है कि इसका भाई कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। वो क्रिश्चियन की साइड ले रही थी क्योंकि वो जानती है कि इसकी बेटी के साथ गलत हुआ। आइरीन ने ही वो पार्सल इसके पास भेजा था जिसमें वो टेप थी, क्योंकि ये चाहती थी कि क्रिश्चियन को सच पता लगे और वो कुछ कर पाए। वो चाहती है कि क्रिश्चियन जिम और उसके भाई दोनों को जान से मार दे, क्योंकि वो दोनों बुरे लोग हैं। खैर जिम का भाई भी वहाँ पर पहुँच गया था, इसलिए क्रिश्चियन आइरीन को वहाँ से भेज देता है क्योंकि अब वो इन दोनों को जान से मारेगा। एक हैमर से वो जिम को मारने वाला था, तभी उसका भाई उस पर अटैक करता है और यहाँ शुरू होती है एक और ब्रूटल फाइट। हर एक फाइट इस मूवी में एकदम रियल और ब्रूटल है। खैर इस फाइट की वजह से जिम से पहले नंबर लग जाता है उसके भाई का। उसका हेड क्रश करने के बाद वो जिम को भी मार कर वहाँ से निकल जाता है और वापस जाकर एलिस को पिक करके पहुँच जाता है गैस स्टेशन पर, जहाँ उसका फ्रेंड उसे लेने आ गया था। वो उसे अपना नंबर देता है, इसके बाद वो चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ। वो भी आगे बढ़कर पहुंच गया था पॉल के घर में और यहाँ पॉल से पूछताछ शुरू हो गई। वो बताता है कि मैं तो जल्दी वहाँ से निकल गया था क्योंकि वो सब मुझे पसंद नहीं आ रहा था। वहाँ मैं शराब पिलाई जा रही थी और साथ में फिन जैसी को कोकेन भी दे रहा था, यानी कि दो नशे तो फिन ने उसे करवाए थे, लेकिन तीसरे का क्या। पॉल कहता है कि शायद वो डेरिक ने दिया होगा, क्योंकि वो जैसी को अपने साथ लेकर गया था उसे समझाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ से जा रही थी। डेरिक फिन का खास आदमी है, तो यहाँ उस चौथे आदमी का पता चल गया। क्रिश्चियन उससे डेरिक का एड्रेस पूछता है जो कि उसे नहीं पता, वो सिर्फ फिन को ही पता था जो कि पहले से डेड है। अब पॉल किसी काम का नहीं, इसलिए बारी उसके मरने की। वो क्रिश्चियन से जान की भीख मांगता है ये कहकर कि मैं तो इन्वॉल्व था ही नहीं, मेरी फैमिली है, मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा। उसकी फैमिली पर तरस खाकर वो उसे छोड़ देता है क्योंकि इसकी खुद की फैमिली नहीं बची। खैर डेरिक का कोई अता पता नहीं है, इसलिए क्रिश्चियन ने अपना रिवेंज यहीं पर खत्म कर दिया, कईयों को मारकर और एक को माफ करके। अब वो वापस अपने घर जा रहा था तभी उसके पास फोन आता है एलिस का। अब वो फ्रेंड के पास से वापस जा रही है जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड है। क्रिश्चियन उसे पिक करता है तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन के लिए यहाँ पर आई थी। अब यहाँ से वो सीधा जाएगी अपनी फ्रेंड किम के घर, लेकिन क्रिश्चियन उसे एडवाइस देता है कि वापस अपने घर जाओ और अपने घर वालों को सब कुछ बता दो, ये सबसे बेस्ट है। वो आगे बढ़ते हैं और क्योंकि अब क्रिश्चियन का रिवेंज पूरा हो गया, इसलिए वो बीच पर रुकता है जैसे कि राख को बहाने के लिए। अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। फिन का फोन अब भी उसके पास है और अचानक उस पर मैसेज आता है डेरिक का, जिसे देखकर उसके अंदर का रिवेंज फिर से जाग गया। पहले वो एलिस को उसके घर छोड़ेगा, उसके बाद जाएगा डेरिक के पास। ये उसका प्लान था, लेकिन इसे खराब करने के लिए उसके पीछे लग जाती है एक पुलिस कार। वो सोच रहा था कि शायद कुछ वैसे ही होगा, इसलिए वो कार रोक देता है, लेकिन कार रोकते ही ऑफिसर गन पॉइंट पर उसे अरेस्ट कर लेता है 6 लोगों के मर्डर के जुर्म में। ये सुनकर तो एलिस भी हैरान हो गई थी। वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस स्टेशन के बजाय वो पहुंचा एक वेयर हाउस पर, जहाँ डेरिक उनका वेट कर रहा था। ये पुलिस वाला भी उनसे मिला हुआ है। क्रिश्चियन को उसने ट्रेस किया फिन के फोन की हेल्प से। क्रिश्चियन को वहां मरने के लिए छोड़कर वैलिस को अपने साथ लेकर चल देता है और यहाँ पर शुरू होती है मेन फाइट। 4 लोग उसे मारपीट कर ले जा रहे थे, फिर भी वो फ्री होकर बाहर भाग जाता है। अब वो फ्री है, लेकिन वो भागेगा नहीं बल्कि एक एक करके उनसे लड़ेगा। 2 को जान से मारने के बाद उसका ध्यान जाता है पुलिस वाले पर। वो जाने की तैयारी में था, लेकिन क्रिश्चियन उसे जाने नहीं देता, उसी की गन से वो उसे भून देता है। एलिस भी फ्री हो गई थी, लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है डेरिक और वो दोनों दोबारा पकड़े गए। अब क्रिश्चियन को वो मार देंगे और एलिस के साथ करेंगे शूटिंग, लेकिन ऐसा करने से पहले डेरिक बताता है कि उसी ने जैसी को ड्रग्स देकर उसका रेप किया, फिर उसे ले जाकर फेंक दिया रोड पर, और जाने से पहले उसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया था। वो कहता है कि इस सब का मुझे पछतावा है। ये कहकर वो क्रिश्चियन को स्टैब करता है और उसके बाद एलिस को लेकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब उसका साथी चक क्रिश्चियन को मारेगा। लेकिन जाते जाते एलिस ने हथकड़ी की चाबी उसके पैरों में फेंक दी। अब चक उसे टॉर्चर कर रहा था, लेकिन मौका मिलते ही वो चाबी उठाकर खुद को फ्री कर लेता है, पर यहाँ उसने उल्टा चक को ही मार डाला। वहां से एक बड़ा सा हैमर लेकर वो जाता है एलिस को बचाने के लिए, लेकिन तब तक डेरिक उसे रेप कर चुका था। ये देखकर उसका खून और ज्यादा खौल जाता है, इसलिए पहले वो मारता है उसके कस्टमर को जो कि एलिस की टेप को लेकर जा रहा था। इसके बाद वो सीधा डेरिक पर अटैक करके उसकी टांग तोड़ देता है। इस फाइनल फाइट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और पिटाई के बाद वो दोनों ही बेहाल हो चुके थे। डेरिक अपनी गन उठाकर उसे शूट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर हैमर उठाकर वो उसे मार देता है। यहाँ पर फाइनली उसका रिवेंज पूरा हुआ और उसने एलिस की जान भी बचा ली। अब वो बड़ी खुशी के साथ जेल में जाएगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी काफी सही है और इसमें जितनी भी फाइट और टॉर्चर वाले सीन है वो एकदम रियल लगते हैं। इसी वजह से इसे काफी क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि इसमें वायलेंस काफी ज्यादा है, लेकिन अगर रिवेंज फिल्म में वायलेंस नहीं होगा तो फिर किस में होगा। कोई अगर बदला लेगा तो प्यार से तो लेगा नहीं, पर फिर भी इसमें जो कुछ दिखाया गया वो बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। इतना कुछ तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एक ऐसी मूवी में जिसका नाम द हॉर्समैन हो। स्लैशर फैंस को ये देखनी चाहिए। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, मुश्किल से ये कहीं मिल पाती है क्योंकि बड़े ही लिमिटेड टाइम के लिए इसे रिलीज किया गया था। हालांकि इसने 2 अवार्ड्स जीते थे जो कि थे बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के।
2019 तक बर्पन गैरी क्वींसलैंड में शूट हुई इकलौती फिल्म थी। इसे बनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए डायरेक्टर ने पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई इसके इंट्रो से, जिसे काफी पसंद किया गया और उसी की वजह से ये फिल्म बन पाई। यूके और यूएस में ये मूवी 2010 में जाकर रिलीज हुई थी, यूके में डीवीडी और ब्लूरे पर और यूएस में कुछ गिने चुने थिएटर्स में। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और नया साल आ रहा है, इसलिए आप बता सकते हो कि आपको कौन सी सीरीज चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही जगह पर लेकर आ सके। और ज्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।